अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मेरे दोस्त भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं कबूतरों की डिवर्मिंग करने लगा हूँ, तो दोस्तों मैंने कहा आप दोस्तों के साथ भी तरीक़ेकार शेयर करें। तो दोस्तों ये मेरे पास जेंटल सीरप है, जिस तरह कि आप दोस्तों को भी पता है कि ये पेट के कीड़ों के लिए होता है। तो ये अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ये सारी शीशी एक मरतबा में इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, ठीक है, इंसानों के लिए। और अगर हम परिंदों को देते हैं तो इसकी हमें मकदार बनानी पड़ती है। तो लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से डिवर्मिंग करते हैं, कुछ जेंटल इस्तेमाल करते हैं, कुछ फरमोक्स इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ तरीक़े हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीक़े आपके साथ शेयर करूँगा जिस तरह से डिवर्मिंग होती है। तो आज मैं जेंटल से डिवर्मिंग करूँगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जेंटल से डिवर्मिंग कैसे होगी जी। परिंदों को मैंने कल दाना दे के पानी डाला था, कल शाम के टाइम। उसके बाद मैंने इनको दाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया इनको, ठीक है, इनके सामने पानी नहीं पड़ा हुआ। अब इनके सामने हमने पानी रखना है दवाई वाला, ठीक है जी। और ये पानी आपके सामने रखेंगे, दवाई बनाएंगे। अगर आपको तरीक़ेकार ये अच्छा लगता है शेयर करें दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये जेंटल की जो है बोतल, ये छोटी सी बोतल होती है, इसको अच्छे तरीके से हिला के, ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से हिला के हमने ये पूरी बोतल है, ये 5 लीटर या 5 लीटर की बोतल है। इस पूरी बोतल में हमने ये जेंटल का जो सीरप है ये सारा डालना है, ठीक है जी। ये देखो ये जेंटल का सारा सीरप हमने इसमें मिक्स कर देना है। कबूतरों का दाना पानी नहीं डालना, दाना पानी कबूतरों को शाम को डाल देना है, अगले दिन दोपहर तक इनको दाना पानी नहीं देना। जब इनके सामने आप पानी रखेंगे तो ये रफ्तार में पानी पियेंगे और ये इंशाल्लाह ताला इनकी डिवर्मिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इसको अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे, ठीक है जी। ये देखो तो दोस्तों ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये इसमें चला गया है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसको हिला के इसमें से दवाई जो है सारी इसमें डाल लेनी है। ये देखें दवाई सारी इस पर चली गई है। तो ये कबूतरों को मैंने इधर भी रखना है और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको भी देना है। ये सारे कबूतरों को हमने ये पानी पिला देना है, इंशाल्लाह ताला इन कबूतरों की अच्छे तरीके से डिवर्मिंग हो जाएगी। और दाने की फिर रूटीन जो है इनके साथ ऐसे है कि दाना आपने इनको थोड़ा सा नरम करके देना है। दाने को आप भिगो के रख देंगे, दाने को अच्छी तरह से धोने के बाद इसको भिगो के रख दें और भिगो के फिर आप इनको दाना डालें। इंशाल्लाह ताला आपके परिंदों की अच्छे तरीके से डिवर्मिंग भी हो जाएगी और छोटे छोटे जो इनमें मसले मसाइल आते हैं, कुछ सोकड़ा हो जाता है, पोटा रुकता है, 100 मसले परेशानियां जो इनमें बनती हैं, इंशाल्लाह ताला सारे मसले परेशानियां जो है डिवर्मिंग के बाद हल हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई मसले तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। आप दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।